नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सरकारी खतियान का भी रजिस्टर टू होता है क्या। तो दोस्तों इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें खतियान रजिस्टर टू रजिस्टर थ्री की अगर बात करें, मतलब कि जो भी रजिस्टर तैयार होते हैं सर्वे के समय, क्या वह जो है रैयती के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई सरकारी जमीन है तो उसका भी रजिस्टर टू तैयार होता है। तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, कारण कि सर्वे जब किया जाता है तो उस समय जो है तीन रजिस्टर तैयार किए जाते हैं, रजिस्टर वन, रजिस्टर टू और रजिस्टर थ्री। तीन रजिस्टर तैयार किए जाते हैं और रजिस्टर टू में भी सरकारी जमीन जो भी है उसका मेंशन किया जाता है। रजिस्टर वन मतलब खतियान, रजिस्टर वन जो होता है वह खतियान होता है, और रजिस्टर टू जो होता है वह आपके अंचलाधिकारी के पास आपके अंचल में होते हैं, और वह जो है रजिस्टर टू है वह अंचलाधिकारी के अंतर्गत जो राजस्व कर्मचारी होते हैं उन्हें सौंप दिया जाता है, उनके पास रहता है रजिस्टर टू। और रजिस्टर थ्री की बात करें तो रजिस्टर थ्री अंचल में रहता है। तो इस तरह से तीनों रजिस्टर सर्वे के समय तैयार किया जाता है और तीनों रजिस्टर में सेम डेटा मेंशन किया जाता है सर्वे के समय। उसके बाद की प्रक्रिया जो भी होती है उसमें कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन जिस समय सर्वे होता है उस समय तीनों रजिस्टर में सेम डाटा जो है, जो भी डाटा है सेम मेंशन रहता है। तो सरकारी जमीन का भी जो है वो रजिस्टर टू में मेंशन किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।